उसका नाम था प्रभावती। वो प्रभावती सोच रही थी कि मेरे घर में तो आए ना, तो मैं पकड़ के आज तो सीधा यशोदा को दिखाऊंगी कि देख तेरा लाला कैसा है। और प्रभावती ने ऐसा प्लान बनाया कि लाला को मैं पकड़ लूँ और रंगे हाथ पकड़ लूँ और यशोदा माँ को दिखाऊँ, देख तेरा लाला कैसा है। उसने लाला जैसे सुने, कन्हैया को सुना ही पाई, इस तरह वो बोलने लगी, अरे सुन रही हो ललिता जी, मेरे घर में आज माखन बनाया है, बड़ा बटका भर के माखन रखा है, लेकिन मैं तो शिके पर लगाऊंगी क्योंकि वो यशोदा का छोरा है, नटखट है, आ जाएगा कभी ना कभी और मेरा माखन खा जाता है, मेरी सास मुझे बहुत डांटती है। और कान्हा सुन रहा है, वो सुने उसी तरह वो बोलती है। कन्हैया ने सोचा तू बोल बोल कोई बात नहीं, मैं तेरे हाथ पकड़ाऊ तो ना, मैं तेरे हाथ में थोड़ा आने वाला हूं। फिर प्रभावती ने बहुत अच्छा माखन तैयार किया, सिक्के पर लटका दिया और थोड़ा सा दरवाजा बंद किया है। और यहाँ पर कन्हैया ने अपनी टोली को लेकर वो वहां पहुंचा, सबको लेकर गए, लेकिन वो टोली वाले सब थे ना वो बहुत चतुर थे, होशियार थे, वो सब घोड़े बनते थे और कन्हैया को ऊपर चढ़ाते थे ताकि जो कोई आए तो वो जल्दी से भाग जाए, वो लटका रहे, पकड़ में आए तो वो पकड़ा जाए, कोई ना पकड़े है? और कोई नहीं पकड़ में आता था। वो कन्हैया को ऊपर चढ़ाया, कन्हैया तू ऊपर चढ़ जा और माखन निकाल के हमको दे। वो माखन निकालता था, जो नीचे थे वो ऊपर मुंह करते थे, उसके मुंह में वो डालता जाता था। जैसे थोड़ा खेल खेला, फिर प्रभावती जो लकड़ी लेकर निकली, ए क्या कर रहे हो, सब भागे और कन्हैया वहां लटका हुआ था, सबको देता था पर खुद भी खाता था, मुंह भी पूरा माखन से भर गया था। कन्हैया को नीचे उतारा, चल अब मैं यशोदा माँ को दिखाती हूँ, तेरी माँ तो मेरी बात नहीं मानती है, हैं कहती है मेरा लाला थोड़ा चोर है, मेरे घर में माखन नहीं है कि तेरे घर के आप घर के आप घर पर आकर खाएगा, ऐसा कहती है, चल अब दिखाती हूँ, चलो। पकड़ा हाथ जोर से और चलने लगी। गोपी ने बाहर जाती है तो घूंटा निकाला है, लाला को लेकर चलती है और थोड़ी थोड़ी थोड़े दूर गई, फिर लाला कहता है, अरे गोपी तेरा हाथ कितना कठिन है, मेरा कोमल सा हाथ है, देख छाले पड़ जाएगा, अब दूसरा हाथ पकड़ ले। ऐसा कहकर लाला ने हाथ छुड़वाया और दूसरा हाथ पकड़ाने गया, वो भाग गया और वो गोपी का पति जो था उनका हाथ पकड़ा लिया। गोपी चल रही है, उसको तो मालूम नहीं है, कान्हा ऐसे छू मंतर हो गया, दूसरे दरवाजे से घर में घुसा और मुंह वो साफ करके माँ के पास, माँ मुझे बहुत नींद आती है। अच्छा लाला नींद आती है, सो जा। और वो तो जल्दी से अपनी पलंग में सो गया। फिर यहाँ पर वो आई प्रभावती, ए यशोदा कहाँ गई, बाहर निकल, अब देख ले तेरे लाला के करतूस। वो कन्हैया ऐसा नहीं है वैसा नहीं, कहती है हमारी तो बात नहीं मानती है, इतना चढ़ा दिया है कि बात क्या पूछे, ऐसी चिल्लाने लगी। यशोदा कहती, ए ए जरा मुंह संभाल के बोल, किससे बात करती है ऐसी कुछ चिल्लाती है, क्या हुआ जरा बता दो सही। ओ अपने लाला को देखती है फिर बोलती है क्या हुआ, देखती नहीं है कैसा मुंह भरा है मक्खन से और फिर मेरी बात नहीं मानती है। ओ मेरा लाला, अरे ए प्रभावती मेरा लाला तो कन्हैया तो घर में है। ओ अभी देखती है फिर भी कहती है घर में है, बुला बुला घर में है तो बुला। और यशोदा माँ ने बूम लगाई, बेटा कान्हा, ए कन्हैया, ए लाला इधर आ जा बेटा। और कन्हैया आया ऐसे आंखें चुड़ाते चुड़ाते, और जैसे प्रभावती ने कन्हैया को देखा, अरे ये कन्हैया और मैंने वो पकड़ा है वो कौन है। कन्हैया ने ऐसे कहा कि ले, अने जैसे प्रभावती ने अपना मुंह मोड़ा, घूंटा ऊंचा किया, देखा तो अपना पति है, हाथ छोड़ दिया, अरे ये कैसे आ गया। यशोदा माँ ने कहा, क्यों अब बोल, क्यों बोलती नहीं है। प्रभावती ऐसे भाग गई घर में और सभी गोपियों को कहा, अरे ये तो ऐसा चित चोर है, ऐसा नहीं है, वो तो कुछ मायावी है, मायावी, मैंने उसके हाथों से पकड़ा था फिर भी न जाने कैसे वो तो अपने घर में से निकला और मेरे हाथ में तो मेरे पति का हाथ था। लेकिन सब गोपियां कहने लगी, अरे प्रभावती छोड़ दे उसको पकड़ना, क्योंकि वो उसको कैसे पकड़ सकोगी, वो सभी के भीतर में बैठा है। सब गोपियों के हृदय में भगवान
कन्हैया ने ऐसा स्थान लिया है कि इसे बाहर से कैसे पकड़ा जाता है। सब गोपियां आज इकट्ठी हुई हैं और एक दूसरे से कह रही है कि मेरे भीतर में कान्हा है। दूसरी कहती है नहीं नहीं मेरे हृदय में है। कोई कहती है मेरे हृदय में है। सब गोपी अपनी अपनी मस्ती से झूम रही हैं और कहती है अरे जाने दो अब बात क्या हो रहा है। मेरी लगी श्याम संग पीली ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पीली ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर मूर्तिया मन में बस गई मोहन मूर्तिया। तो कहे में तो भई बावरिया जब से ओढ़ी श्याम सुंदरिया। मैंने छोड़ी जग की रे ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रे दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रे ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रे दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने मुझे मिल गया मन का मी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। लाज सब दिन विश्रानी। रूप रात अंग अंग समानी। हैरत रहु दीवानी। मैं तो गाऊ खुशी के जी ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊ खुशी के जी ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊ खुशी के जी ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊ खुशी के जी ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मी ये दुनिया क्या जाने। हो मुझे मिल गया मन का मी ये दुनिया क्या जाने। हो मुझे मिल गया मन का मी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्री मेरी लगी श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्री ये दुनिया क्या जाने।
बोले कृष्ण कन्हैया भागवत भगवान के साथ सभी गोपियों का भक्ति भाव से अपना जो भाव था वो जुड़ा हुआ था। इतना भाव जुड़ा हुआ था कि गोपी का अपने घर में रहती थी लेकिन उनका मन भगवान से मिला रहता था। ऐसी उनकी सूक्ष्म तरंगे प्रभु के साथ जुड़ी हुई थी। सौभाग्य है क्योंकि गोपियाँ कौन थी, देवी देवताओं की, वो सब देवता थे, देवियाँ थी, जो भगवान ने कहा था कि मैं अवतार धारण करूँगा और आप मेरे साथ अगर काम करना चाहते हो तो वो भगवान बन के आना पड़ेगा। तो देवता लोग कहते थे कि प्रभु आपके साथ अगर रहना हमें मिलता है तो हम आप जो भी कहे हम बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारे कई परिजन भाई बहन ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, हम सब कुछ करेंगे। अगर देवी देवता भगवान के लिए रीच वानर बन सकते हैं, गो भगवान बन सकते हैं, तो हम नहीं कर सकेंगे? हमारा सौभाग्य है कि भगवान के लिए हमें काम करने का एक अवसर मिला। भगवान जब जब आता है तब तब उनके साथ अपने से जुड़ने वाले आत्माओं को भी साथ में रखता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में इसलिए कहा था कि बेटा भगवान क्यों आता है, इस धरती पर भगवान क्यों आता है? एक तो वो धरती की व्यवस्था जो बिगड़ गई है उसको सुधारने के लिए, एक ये बात है, और एक बात ये भी है कि अपने भक्तों को वो श्रेय देना चाहते हैं। क्योंकि जो बिगड़ा है उसको सुधारने के लिए ऐसा नहीं है कि एक भगवान एक चुटकी बजाएगा और काम हो जाएगा, नहीं, भगवान अपने भक्तों को उनकी गरिमा को बढ़ाने के लिए वो आता है, उनके साथ उनको जोड़ता है और सबको लेकर वो काम वो करता है और श्रेय हमको देता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा आपको श्रेय लेना है, मेरे लिए आप काम करोगे, युग निर्माण तो हो गया है, मैंने अंतरिक्ष में सब व्यवस्था बना दी है, वो अपने आप सब उतरता बनता रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ श्रेय लेना है, हमें भगवान के लिए चलना है, सिर्फ श्रेय लेना है। देखता है भगवान कि मेरे लिए कौन चल सकता है। इसलिए आप सभी को नम्र निवेदन है कि ये जो भी हमारे लिए इतनी मेहनत से इतना बढ़िया ये केंद्र का निर्माण किया गया है, इस केंद्र में एक आवाज है, एक श्रद्धा है, एक त्याग परंपरा है कि जो त्याग और समर्पण की भावना की वृद्धि हो सके और जो आत्मा यहाँ आएगा उसकी भीतर में प्रभु के प्रति श्रद्धा निष्ठा त्याग समर्पण जब जग जाएगा तो यहाँ से वो भी एक श्रेय का अधिकारी बनकर जाएगा। ऐसे ऐसे जहाँ कहाँ भी निर्माण होता है कुछ न कुछ भगवान की धर्म की भावनाओं को बढ़ाने के लिए, जो भगवान सही करने के लिए उतर रहा है वो कैसे उतरेगा। ये तो हुई बात कि कई बार भगवान ने ऐसे जन्म लिए और दो जन्म ऐसे हैं जो हमारी परंपरा में उसको बहुत हमने स्वीकार्य किए हैं। ऐसे तो भगवान ने 24 अवतार लिए लेकिन दो अवतार ऐसे हैं कि जिसकी बहुत हम भक्ति भावना से स्वीकारते हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्ण अवतार। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा इस बार भगवान को एक व्यक्ति के रूप में जन्म नहीं लेगा, इस बार भगवान प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरित होगा। और प्रज्ञा अवतार क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा अवतार की प्रक्रिया नाम की पुस्तिका में बहुत स्पष्ट बताया है कि प्रज्ञा अवतार क्या है। प्रज्ञा अवतार कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं होगा, प्रज्ञा सभी के भीतर में है। जो अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को भगवान के चरणों में रखकर उसके हिसाब से चलने लगेगा, उसके भीतर में वही प्रथम भरा प्रज्ञा शक्ति जागृत होगी और वह सद्भाव, सत्कर्म और सदचिंतन करते हुए आगे बढ़ेगा और उसके भीतर में वही प्रज्ञा शक्ति जागृत होगी, उसके मन मस्तिष्क में वह प्रज्ञा अवतार का अवतरण होगा, जो अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी श्रेष्ठता को प्रभु के चरण में अर्पण करेगा। गुरुदेव कहते थे कि मुझे जो भी आप देंगे मैं उसको कई गुना बना दूंगा। भगवान को आप जो भी देते हैं वो कई गुना बनाते हैं। आप अपनी बुद्धि देंगे तो वो बुद्धि को इतनी बढ़ाई देगा,
अपना अपना कुछ भी देंगे भगवान उसको कई गुना बना देता है। इसलिए कहा गया है कि सोचो हम संसार में आए हमारा क्या है। कल बताया था ना कि हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं। हमने जन्म किसी और ने दिया, किसी ने बोलने को सिखाया, किसी ने यह सिखाया, किसी ने वो सिखाया, किसी के सहारे से हम बड़े हुए और आगे चल रहे हैं। हमसे अच्छे तो पशु पक्षी है जिनके बच्चे को गोद में लेकर फरती है चिड़िया, बच्चे अपने बच्चे को गोद में लेकर फरती चलती है अपने वो घोंसले में रखती है ना। और मानव का बच्चा हो तो विचार करो कि मानसना बाड़क ने मोटू करवामा माँ बाप ने कितनी तकलीफ पड़े, पण कोई पशु के जनावर ना बच्चा ने क्यारे पशु नी माताए एने कोई प्रयत्न कर्यो नथी। बाड़क एनु बच्चू जन्मे एनी जाते बोलता सीखे, खाता सीखे, उड़ता सीखे, एनी जाते बधु करे। एक मानस नु बाड़क एवु छे कि जेने केटलू लालन पालन करी करीने संभाळी संभाळीने मोटू करवो पड़े। हैं हमारा कुछ भी है ही नहीं, हमें किसी ने कुछ दिया है, हम जाएंगे तो भी हमें किसी कोई और हमको लेकर जाएगा, श्मशान तक भी ले जाएगा, हम चल के नहीं जा सकते, हमारा कुछ है ही नहीं। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा अगर कुछ है तो हमारा मन है और हमारी बुद्धि है। इसलिए कहा गया है, द्वादश अध्याय में बताया गया है, भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष तम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समी प्रिय। संतुष्ट सततम योगी, जिसकी हृदय की भावना योगी की तरह रहती है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जो भी स्थिति हमें मिलती है उसमें वो संतुष्ट है। कई बार ऐसे कहते हैं, नहीं नहीं भगवान ने जो भी दिया है अच्छा है सही है, हम मानते हैं, संतुष्ट नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि बिना माने चलेगा ही नहीं ना, क्या कर लेंगे हम, मानना पड़ता है, इसलिए मान लेते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। संतुष्ट वो है जो भी हो जाए और इसकी कोई भी असर अंदर नहीं आती है, तब वो संतुष्ट होता है। जैसे जनक राजा, जनक राजा कैसे संतुष्ट है उसकी परीक्षा ली गई। जब कहा गया कि जनक और कई सारे साधु संत महापुरुष बैठे थे और वहां पर सत्संग चल रहा था, तो किसी ने आकर कहा, अरे जनकपुर में तो बहुत आग लगी है। तब वो जो साधु बैठे थे ना, वो लंगोटी ही पहनते थे, वो सब दौड़कर भागे कि अपनी झोपड़ी में वो अपनी लंगोटी एक ही है और वो भी जल जाएगी तो कल क्या पहनेंगे, वो सब साधु भागे, लेकिन जनक राजा ऐसे ही बैठे थे। तब वो महापुरुष ने कहा, देखो ये वितरागी बन के घूम रहे हैं, लंगोटी पहन के घूम रहे हैं, फिर भी वो एक लंगोटी की भी चिंता करते हैं, दौड़कर गए और अपनी लंगोटी लेने के लिए गए, लेकिन ये जनक राजा जिसका कितना बड़ा भवन है, कितना बड़ा नगर है, फिर भी ट्रस से मस नहीं हुआ। उसने सोचा था, सत्संग में बैठा हूं, जो भी भगवान करेगा सही करेगा, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, जो होना है, होनी को अनहोनी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो शांति से बैठा, संतुष्ट भक्त है कि जैसी भी स्थिति प्रभु लाता है वैसी स्थिति हमें प्रेम से अपनानी है, स्वीकारना है, प्रभु तेरी मर्जी, प्रभु तेरी मर्जी। भीतर से शांति, और भीतर से शांति तब मिल सकती है कि हर रोज प्रतिदिन थोड़ी क्षणों के लिए हम प्रभु की गोद में बैठ जाए। मेडिटेशन, अमेरिका में मेडिटेशन कहते हैं, योगा कहते हैं, वास्तव में है तो हमारा है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ध्यान की परंपरा बताई है, नित्य प्रति थोड़ा सा ध्यान करें, करना ध्यान। संडे जब यहाँ हम सब इकट्ठे होंगे तो आधा घंटा ध्यान के लिए रखना, ब्रह्मपुज गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र। गुरुदेव कहते थे कि बेटा मेरे साथ आप मंत्र बोलिए, मानसिक रूप में, मानसिक बोलना है, उच्चारण नहीं करना है। गुरुदेव बोलते हैं हमें सिर्फ भावना करनी है, हमारे साथ अगर मंत्र बोलोगे, गुरुदेव ने कहा था अखंड ज्योति में भी उसका लेख था कि एक मंत्र आपको 1000 मंत्र के बराबर फल देने वाला है बेटा। क्यों? क्योंकि मेरी वाणी जो है ये परा और पश्यंती वाणी है। महापुरुषों की जो वाणी होती है हमारी वाणी जैसी नहीं होती है, हमारी वाणी वैखरी वाणी है, हम अभी ऐसा बोलते हैं और बाद में वैसा बोलने लगते हैं, हमारे मुंह में कितनी बार झूठ आ जाता है, हैं? स्वार्थ आ जाता है, निंदा कुथली आ जाती है, हमारी वाणी कोई वाणी नहीं कहलाई जाती है। और हम ऋषियों की वाणी जो है परा और पश्यंती वाणी,
परावर पश्यंती वाणी के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे तो गुरुदेव ने कहा कि आपका एक मंत्र 1000 मंत्र के बराबर फल देगा। प्रतिदिन आप मेरे साथ अगर 12 बार या फिर 24 बार मंत्र करेंगे तो आपका प्रतिदिन 24000 का अनुष्ठान हो जाएगा। इसलिए 24 बार कम से कम हर संडे साथ में बैठकर सामूहिक साधना हो जाएगी। 24 बार गायत्री मंत्र का जाप अपने घर में भी, मैं आपको सबको निवेदन करती हूँ कि घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं तो हम एक ऐसा क्रम बनाए कि घर में 7 लोग जितने भी हैं साथ में शाम को एक टाइम फिक्स कर दो कि 8 बजे तो 8 बजे, 8:30 बजे तो 8:30 बजे, हमें 8:30 बजे 24 मंत्र साथ में बैठ कर करना है। अगर आपने आज से ये नियम ले लिया तो देखना 40 दिन के बाद आपके घर में कोई नया चमत्कार आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आप कुछ ना कुछ महसूस जरूर करोगे, ये मेरे गुरुदेव का वादा है। 40 दिन के बाद आपको कोई ना कोई ऐसा चमत्कार महसूस होगा अपने अंदर भी और घर में भी। आपके घर में कोई संकट है, घर के सभी व्यक्ति बैठ जाओ और 40 दिन के लिए 24 बार गायत्री मंत्र हमारे गुरुदेव के साथ आप बोलने लगो साथ में बैठ कर मौन, देखना कैसा चमत्कार। परम पूज्य गुरुदेव ने तो कितनी गहराई में ले जाकर बताया है कि बेटा मैं आपको कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं कि ये महामंत्र मैंने आपको दिया है वो क्या है, लेकिन आप बच्चों की भांति समझ नहीं पाते हैं मैं क्या करूं। कितना दर्द था गुरुदेव को, कितना दुख होता था जब उनकी बातों को हम नहीं समझ पाते थे। ऐसे होते हैं सदगुरु, ऐसे होते हैं महापुरुष, हमें बार बार पुकारते हैं और बार बार कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो। जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं, कहते हैं कि इधर मत जाओ गिर जाओगे, इधर मत जाओ गिर जाओगे, ऐसे हमारे सदगुरु हमारी संभाल करते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करो वो करो। लेकिन हम जो है हमारी असमंजस में हम उनकी वाणी को नहीं समझ पाते हैं। और आप कहेंगे हम कैसे अपने घर में करें, तो यहाँ पर वो मंत्र सर्किट है ले जाना, वो पेन ड्राइव है, इसमें भी गायत्री मंत्र है, अनेक राग में मंत्र है, इतना कुछ है पेन ड्राइव में। अपनी गाड़ी में जब हम जॉब पर जाते हैं आधा घंटा लगता है, क्या करोगे आधा घंटे, करो मंत्र शुरू, देखना उससे कितना जबरदस्त पावर, हमारी आंतरिक भूमिका इतनी बलवान बनती जाएगी, हमारा आत्मविकास होगा और वही आत्मविकास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कितना बैंक बैलेंस है ये हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन आत्मविकास जितना ज्यादा होगा उतना व्यक्तित्व निखर आएगा, व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव ऊपर उभर आएगा। इसलिए सबको एक नम्र निवेदन है कि आप ऐसी बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाना। सत्संग तो हम करते हैं, लेकिन सत्संग की गहराई में जिसमें से जो अमृत निकलता है, जो रत्न निकलते हैं, वही रत्न ये है कि हम घर क्या ले जाए, घर क्या ले जाए। सब बातें तो हमें इतनी याद नहीं रहेगी कि उसका हम गहनता से मनन कर सके, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें चुभ जाती हैं। तो अवश्य आपको ये बात जरूर याद रखनी है और ऐसा करना है। कहा गया कि भगवान के साथ चलने के लिए हमें बुलाया है, हर बार प्रभु जब जब भी संसार में आया है उसके साथ कई सारे देवी देवता लोग भी आए हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि बेटा आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप देवता है देवता, लेकिन कैसे भटके हुए देवता। गुरुदेव कहते थे आप देवता लोग ही हैं, लेकिन कैसे हैं भटके हुए देवता है, भटक गए हैं, इसलिए अपने औकात को हम नहीं जान सकते हैं। तो स्वयं को पहचाने कि हम देवता लोग हैं, हम देवी कार्य के लिए हम आए हैं, हमारा कुछ प्रयोजन है, हमारा चौकस कोई कारण है यहाँ आने के लिए। सभी जीवात्माओं का यहाँ धरती पर आने का, अवतरण होने का कुछ न कुछ कारण जरूरी है, और वह कारण हमें इकट्ठा किया है। इसका कारण गुरुदेव बताते हैं कि भगवत भक्ति का विस्तार कर। तो आइए भगवान का जो लीला है, भगवान की जो लीला है, उन लीलाओं का हम स्मरण कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रभु हमें जो सूक्ष्म निर्देश देना चाहते हैं वो भी हम मनन कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान जब भक्त को